Hello students, I'm going to explain a concept for class 9 and 10. This concept is very important from examination point of view, and this is from the chapter Indian National Movement. The concept is non-cooperation movement. 1909 में महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज. उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इंडियंस के सहयोग से ही एस्टैब्लिश हुआ है और इसी कारण यहाँ पर सर्वाइव भी कर पा रहा है. अगर इंडियंस अपना कॉपरेशन वापिस ले लें तो साल भर में ये कलैप्स हो जाएगा. महात्मा गांधी ने 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किए गए ग्रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पूरे देश में सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया. इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट को बहुत अधिक पावर्स मिल गई थी, जिसके द्वारा से कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस यानी कुचल सकते थे और साथ ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद भी रख सकते थे. महात्मा गांधी ने 1 अगस्त को इसे शुरू किया. मुसलमानों के द्वारा शुरू किए गए खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक कन्फ्रंटेशन यानी कि एक मोर्चा शुरू किया. ऊपर तस्वीर है सर रॉलेट की, जिन्होंने रॉलेट एक्ट बनाया था, और नीचे कुछ मुंह बोलती तस्वीरें हैं इस मूवमेंट की. महात्मा गांधी ने एक डिटेल्ड प्लान्ड प्रोग्राम के तहत इसे शुरू किया, जिसमें शामिल थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई पदवियों और सम्मान को लौटाना, इंडियंस के द्वारा ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर देना, सरकार के द्वारा चलाए गए स्कूल और कॉलेजेस में से धीरे धीरे बच्चों को निकाला जाना, लॉयर्स और लिटिगेंट्स यानी कि वो पर्सन जो कि लीगल सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं, लॉयर्स और लिटिगेंट्स का ब्रिटिश कोर्ट्स में जाने से इनकार कर देना, वोटर्स और कैंडिडेट्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस का बहिष्कार करना और साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का भी बहिष्कार करना. बाद में एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ाना, हिंदूस में पनप रही अनटचेबिलिटी की फीलिंग को खत्म कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट था हिंदूस और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना. महात्मा गांधी की अपील का पूरे देश पे बहुत जबरदस्त असर पड़ा. असाधारण जोश के साथ सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने का निश्चय किया. सभी अपने मतभेद भुलाकर इसमें हिस्सेदार बने. 2/3 से ज्यादा वोटर्स ने नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल के चुनावों में पार्ट लेने से मना कर दिया. हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिए. न्यू इंडियन एजुकेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए. लॉयर्स ने कोर्ट्स का बहिष्कार किया, जिसमें प्रमुख थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपाचार्य वगैरह. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और साथ ही विदेशी कपड़ों को आग भी लगाई गई. लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो महात्मा गांधी के विचारों से बिल्कुल अलग थी, जिसमें प्रमुख घटना थी 9 फरवरी 1922 में होने वाली चौरा चौरी की घटना. चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है. वहां पर पुलिस और प्रोटेस्टेंट के बीच में झड़प हुई. पुलिस वालों ने गोली चला दी, जिसकी वजह से गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसका नतीजा हुआ पुलिस वालों की मौत. 22-23 पुलिस वाले और 3 सिविलियन जिसमें मारे गए. गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना शुरू कर दिया. उन्होंने बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और साथ ही कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर 30,000 भारतीयों को भी दिया गया. महात्मा गांधी को लगा कि अभी भी सत्याग्रहियों को ट्रेनिंग की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने 14 फरवरी 1922 को सस्पेंड कर दिए मूवमेंट.
18th मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपना जो उन्होंने मकसद रखा था उसको पूरा करने में सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने आने वाली मूवमेंट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा। और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इसने महात्मा गांधी का जो मैसेज था कास्ट बेस्ड एनिमोसिटी, यानी कि कास्ट की में जो हेट्रेड की फीलिंग थी उसको रिमूव करने में इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्टूडेंट्स, there are some questions for you and I think you all will answer it. Thank you. Jai Hind.